गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संचयन और संचयन का पहला पार्ट, जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू पार्ट लिखा है महादेव वर्मा जी ने। महादेव वर्मा जी जानते हैं आप सभी, महादेव वर्मा बहुत अच्छी कवयित्री और छायावाद की क्या नाम से मानी हुई एक स्तंभ थी महादेव वर्मा। थोड़ा महादेव वर्मा के बारे में जान ले, जिनका जन्म 1907 में हुआ, मृत्यु 1987 में होंगे ना। होली के दिन उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में जन्मी, फरुखाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर। महादेव वर्मा का प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई, अर्थात जो प्राइमरी जो शिक्षा है इनकी वो इंदौर के अंदर हुई, और विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की। विवाह हो गया जल्दी और बीच में गैप आ गया थोड़ा, लेकिन वापस शुरू कर दी पढ़ाई ना। वे मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आए और छात्र वृत्ति पाए, मिडिल क्लास जो पास की उन्होंने उसमें पूरे एरिया प्रांत के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर उनको क्या नाम से प्रथम स्थान मिला, और छात्र वृत्ति नहीं इसको बोलते स्कॉलरशिप, वो भी आपको मिली। ये सिलसिला कई कक्षाओं से चला है ना। उसके पश्चात बौद्ध भिक्षुणी बनकर बनना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी का जो वो चल रहा था आंदोलन, तो उसमें जुड़ गई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा के प्रसार में जुड़ गई और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। महादेवी ने छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ थे रचनाकार, उनमें भी अपने स्तंभ अपना भाग लिया, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, जयशंकर प्रसाद और समुद्रानंद पंत, और चौथी थी महादेवी वर्मा है ना। महादेवी वर्मा का समस्त काव्य वेदनामय है, अर्थात पीड़ा से युक्त है, वेदना से। इनकी कविता का स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट होता ही सर्वथा अप्रतिद्वंद्वी था। इन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया है, जैसे कविताएं लिखी है, बहुत से संस्मरण लिखे हैं, रेखाचित्र लिखे हैं आदि। और 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हुआ। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और भी अन्य पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने 1956 में इन्हें पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया। कुल 8 वर्ष की अवस्था में 12 मास जैसी बेजोड़ कविता लिखी, और उसके बाद अनेक काव्य करते हैं लिखी, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीपशिका है, प्रथम आयाम है, अग्निरेखा है, यामा है, आदि गद्य रचनाएं लिखी साथ में। अतीत के चलचित्र है, श्रृंखला की कड़ियां है, स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण, महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही है, अर्थात चित्रकला में आप बनाए करती थी और आपकी रुचि उसमें भी रही है। उनके बनाए चित्र उनकी कई कृतियों में प्रयुक्त किए गए। तो महादेव वर्मा जी ने जानवर पालने का बहुत शौक था इनको, शौक क्या जानवर आता था इनके, जैसे गिलेरी है, चूहे है, बंदर है, और कुत्ता है, एक नीलू कुत्ता था उनका, और पक्षी भी है, कबूतर है आदि। तो गिल्लू इनके जीवन में कैसे आया, गिल्लू से क्या नाम से इनकी जो मुलाकात कैसे हुई, तो उसके बारे में पढ़ा लिखा है इन्होंने। गिल्लू का इनका कैसा संबंध रहा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। महादेव वर्मा का गिल्लू है ना। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही होता है, पौधा होता है, तो पौधे फूलों का एक पेड़ है, उसमें एक पीली कली मतलब फूल आया है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण होया। छोटा जीव कौन सा, और कहानी के नाम से आगे चल रही है, कहानी खत्म हो जाती है, कहानी शुरू हो गई है ना, बता रही है किस प्रकार से क्या नाम से इनको जो छोटा जीव गिलहरी का बच्चा, गिल्लू का बच्चा मिला, और किस स्थिति में वो मिला उसके बारे में बताया। तो उसे देखकर अनायास ही छोटे जीव का स्मरण होया, छोटा जीव मतलब गिलहरी का, गिल्लू का, जो गिल्लू जो था उसके बारे में, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। हरितिमा होती हरियाली, अर्थात हरियाली के अंदर वो छिपकर बैठा हुआ था, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। अर्थात कली तो नहीं है और वो प्राण भी नहीं है, वो भी चला गया, लघु प्राण छोटा जीव है, तो उसकी खोज करती रहती है। याद
बन गया उसका जो उनके जीवन में आया वो, और अपने जो क्या नाम से उनके मिलने से और उनका बड़ा अच्छा आत्मिक संबंध हो गया था, तो एक प्रकार से अब क्या है वो यादें रह गई है ना, तो उसकी खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, अर्थात वो जो हुआ तो चला गया और उसको वहीं दफना दिया था है? कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही में चौकाने ऊपर आ गया हो, अर्थात पता नहीं जो फूल आखिर के रूप में खिल के आ रहे हैं वो जो बच्चा है वही में चौकाने के लिए आ रहा हो, इस तरह की कल्पनाएं इस तरह की जो बातें हैं लेखिका कर रही है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में से बरामदे में आकर मैंने देखा, अब कैसे क्या हुआ कि इस प्रकार से जो उनको गिल्लू मिला, किस प्रकार से गिल्लू जो बेहोश था, गिल्लू यानी गिलहरी का बच्चा, तो उसके बारे में बता रही हो कि एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से मैं जब बाहर आई बरामदे में आई आकर बैठी देखा तो एक छोटा बच्चा वहां पड़ा हुआ था, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छू जैसा खेल खेल रहे, छुआ से मतलब छूना, दूसरा कह रहा छूना उस तरह से चुपके से जाकर छुप जाना ये खेल होता है ना, तो दो कौवे, यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुसुंडी कहते हैं कौवों को, कौवों के लिए कहा गया है काकभुसुंडी, अर्थात विचित्र जीव है ना, आजकल तो यहाँ दिखते नहीं है, आजकल तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं कौवे जो हम श्राद्ध पक्ष में इनको बुलाते हैं या करते हैं, लेकिन आजकल आ नहीं रहे हैं, आजकल तो दिखते नहीं है, बड़े उससे दिख जाते हैं कहीं तो ठीक है, लेकिन बाकी कहीं लुप्त हो गए हैं, कहीं चले गए हैं है ना। तो ये काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ सम आदरित, सम आदर करना है, जब क्या नाम से श्राद्ध पक्ष आता है, हमारा पितृ पक्ष आते हैं तो हम उनको बुलाते हैं, याद करते हैं बड़े आदर के साथ, इनको कुछ घर में बनाते हैं, और अनादरित जब कोई का समारोह नहीं रहता, कोई कारण नहीं रहता ऐसा, जब ये आ जाते हैं तो आते हैं तो इनको क्या नाम अनादर करते हैं, अरे भगाओ कौवा आ गया, काम काम कर रहा है, छोड़ नहीं दे रहा, दिन में आकर बैठ गया मान लो है, या कोई वैसे बैठ गया, अरे कौवा बैठ गया तो क्या अच्छी बात नहीं है, तो इनको अनादरित भी हम करते हैं, समादरित, सम आदर मतलब अच्छा आदर देना, अनादर मतलब अनादर करना। आदर कब देंगे, जब श्राद्ध पक्ष के अंदर श्राद्ध पक्ष आएगा तो इनको याद करेंगे हमारे क्या नाम से पितरों के रूप में, पितर आ गए हमारे हैं, और अनादरित, अनादर मतलब जब कोई काम ऐसा कोई कारण नहीं रहता और जब ये आ जाते हैं और आकर के बोलते हैं तो इनको अनादरित बोलते हैं। अति सम्मानित अति अवमानित है, कभी तो अति सम्मान देंगे इनको, खाना बनाएंगे, खीर बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे और इनको अपनी छत पर वो डालेंगे, खिलाएंगे है? तो बहुत सम्मान देंगे, नहीं आएगा तो बड़ा दुख होगा, अरे कभी नहीं आए, पितर नहीं आ रहे हैं, और कभी कभी कोई जरूरत नहीं होती तो अनादरित भी करते हैं, अवमानित भी करते हैं, बहुत ही अवमानित है, क्या नाम से इनका बगाते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, अर्थात जो श्राद्ध पक्ष में हम याद करते हैं इनको, तो जो पितर है हमारे जो चले गए हैं चले जाते हैं, तो वो न गरुड़ पक्ष के रूप में आते हैं और न मयूर के रूप में आते हैं, न हंस के रूप में आते हैं, न मोरमन के आते हैं और न हंस के रूप में आते हैं, न अन्य पक्षियों के रूप में आते हैं, वो तो केवल काकभुसुंडी कौवे के रूप में ही आते हैं, उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, अर्थात पितृ पक्ष जब आता है, श्राद्ध पक्ष जिसको बोलते हैं जब आता है तो वो हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर कौवे बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, अवतीर्ण मतलब प्रकट होना पड़ता है उनको, आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है, अर्थात सुबह सुबह किसी घर में कौवा बोल रहा है और बहुत देर तक बोल रहा है तो कहते हैं आज कोई मेहमान आने वाला है, बहुत दूर से कोई हमारे घर में मेहमान आने वाला है, तो इस तरह की सूचना भी हम कौवों से ही मानते हैं कि जरूर मेहमान आएगा, आज हमारे कौवा बोल रहा है सुबह सुबह घर में है, तो कर्कश, कर्कश होता है क्या नाम से, कटु, कानों को निभाने वाला, फिर भी वो बोलेगा तो कहेंगे मेहमान आएगा, कुछ आ रहे हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काम काम करने की अवमानना के अर्थ में प्रयोग करते हैं, जब कोई कारण नहीं होता है, जब बेवजह आते हैं, बेटाइम आते हैं, न सुबह न शाम को, न क्या दिन में आकर के काम काम करते हैं, तब हम कहते हैं कि काम काम कर रहे हैं, है भगाओ उनको, है पत्थर मारो, उड़ाओ उनको यहाँ से, बैठने मत दो, तो इस प्रकार से इनका अवमानना भी करते हैं हम, इनको अनादरित भी हम करते हैं, है? तो ये बात है कौवों के साथ।
मेरे काक पुराण के विवेचन में, काक पुराण मतलब कौओं के बारे में जो बात बता रही है लेखिका, काक पुराण मतलब कौओं का जो ग्रंथ है, कौओं के जीवन के बारे में, कौओं के जो बारे में बता रही है हमको, तो उसमें एक बाधा आ पड़ी। क्या बाधा आ पड़ी? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मैं देखती हूँ, क्या देखती हूँ, जो गमला रखा हुआ है और गमला का रखा दीवार के बीच में, संधि बीच में रखा हुआ है, वहां पर एक छोटा सा जीव जानवर पड़ा हुआ है। उस पर जाकर के मेरी दृष्टि रुक गई कि कौन सा जानवर है, कैसा पड़ा हुआ है। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। जब पास में गई और पास में जाकर देखा तो गिलहरी, गिल्लू, गिलहरी जानते हैं, टिटारी बोलते हैं, गिलहरी बोलते हैं, उसका छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, जो ऊपर से घोंसला बना रखा होगा गिलहरी ने, उसमें से बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद से गिर गया और पड़ा। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, कौवे जो है वो क्या नाम से सुलभ, आसान से आहार मतलब नाश्ता, कि तो मौका मिले और नाश्ते के रूप में उसको कर लें, तो वो देख रहे हैं। इतने में लेखिका की नज़र उस पर पड़ती है, लेखिका जाती है वहां पर और कौवे उड़ जाते हैं, भग जाते हैं। तो काक ध्वे की चोंचों की दो घाव, काक ध्वे दोनों का दो दोनों चौवे हैं, कौवे हैं, उनकी जो चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। पड़े गया काम से, छोटा जानवर है, दो चौचों दी मारी उसने और क्या नाम से उसके प्राण पकड़ उड़ जाते। अतः वो निश्चेष सा गमले में पड़ा था। निश्चेष, निश्चेष सा मतलब बिना किसी हरकत के, निश्चित बेहोश था, अर्थात वहां पर पड़ा हुआ था। क्या करे, जानवर था वो, और जानवर भी ऐसा है कि बहुत छोटा जानवर, लघु प्राण है, जिसको कोई छेड़े और क्या नाम से कुछ करे करे तो कुछ कर नहीं सकता, मतलब ऐसा जानवर है ना, तो गमले के में चिपटा पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अगर कौवे ने जोर से चोंच मार दी, चोंच ला इसको लगा दी, उसके पश्चात तो ये बच नहीं सकता, ये इसके कोई वही नहीं है, कोई संभावना नहीं है बचने की, ये मर जाता। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया जाए इसको, परंतु मन नहीं माना, इंसान है और उसको बचाने के लिए, उसको आगे बड़ा करने के लिए, उसको जीवन दान देने के लिए लेखिका ने कुछ किया। क्या किया? मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आए, अर्थात उसको धीरे से उठाया, हौले से उठाया और उठा करके जहाँ पर लेखिका थी, कमरा था, उस कमरे में वो लेकर के आ गई। फिर रूई से रक्त पहुंच कर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, फिर उसको क्या नाम से रूई से पूछा, उसका रक्त जो निकल रहा था उस रक्त को पूछा, और घावों पर पेनिसिलिन एक दवा होती है, उसका मरहम के रूप में उसको जगह जगह लगाया। क्या क्या लेकर आए, उस बच्चे को अंदर लेके आए, उठा के लाए धीरे से, और रूई से आराम से उसको खून उन्होंने निकला था उसको पोंछा, और पोंछ करके जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन उसका जो मरव है उसकी दवा के रूप में उसको आसपास लगाए। रूई की पतली बत्ती दूध से भिगो कर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाए, पर मुंह खुल न सका, बेहोश था वो, निश्चेष था, घायल था, अर्थात अपने चोंच को खोल नहीं पा रहा था। तो जैसे ही उसमें दूध में लिया रूई से और उसके चोंच पर लगाया, तो क्या नाम से वो मुंह न खुल सका और दूध की दोनों बूंदें हैं ढुलक गई, दोनों ओर, एक इधर से अंदर नहीं गया, है ना, क्योंकि घायल तो था ही, तो दूध अंदर नहीं जा पाया, वो जा पाया उसके। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका था। काफी समय तक उसका इलाज किया, मरहम लगाए, पेनिसिलिन लगाया, और पेनिसिलिन लगाने के पश्चात फिर पानी की बूंदें उसके अंदर डाली, तो कुछ बूंद उसके अंदर गई होगी पेट में, है जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, मतलब 3 दिन में उसको अच्छा होश आ गया और होश आने के बाद आश्वस्त हो गया कि बच गया, यानी कि गिल्लू का जो बच्चा है वो चल जाएगा, है उसका जीवन अब आगे बढ़ेगा, है तो अच्छा आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर देखने लगा, अर्थात अब तो क्या करता, अपने जो क्या नाम से दो नन्हे जो पंजे हैं उनसे लेखिका की जो उंगली पकड़ लेता और क्या नाम से कांच के मोतियों जैसी आंखें इधर उधर से देखने लगा और आंखें घुमाने लगा, है मतलब अच्छा हो गया, वो सचेत हो गया, जान आ गई उसके अंदर, है जीवन आ गया, चल निकला, अब चल निकला, अब नहीं मरेगा।
चार मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्निग्ध होता रोए, ये क्या नाम से जो बाल आते छोटे, स्निग्ध रेशमी, चिकने 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 बाल उसके आ गए। कितने दिन बाद? 3-4 माह। 3-4 महीने आए जाते हैं बच्चों के, बड़े हो जैसे बड़ा हुआ, 2 साल करीब उम्र होती है गिलहरी की, तो 3-4 मास के अंदर उसके स्निग्ध रोए से झब्बेदार पूंछ भी आ गई है और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, अर्थात उसकी जो आंखें हैं वो भी चमकने लगी, घूमने घूमने लगी आसपास, और इस प्रकार से वो अच्छा हो गया, एक अच्छा बच्चा हो गया। 3-4 महीने में उसके बाल आ गए, पूंछ आ गई, स्निग्ध है चिकने जो बाल है वो आ गए, झब्बेदार अच्छी पूंछ भी झब्बेदार बालों की भर गई और चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी और सभी को आश्चर्यचकित करने लगी कि देखो छोटा सा बच्चा है, लेखिका ने किस प्रकार से इसको जीवन दान दिया है और जीवन दान देने के पश्चात बड़ा हो गया है और अब किस तरह से शैतानी कर रहा है, इस प्रकार से घुमाने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक मतलब गिलहरी, गिलहरिया संपूर्ण गिलहरियों को कहते हैं, एक गिलहरी को तो गिलहरी बोलते नहीं है, पूरी जाति को ही गिलहरी बोलते हैं, तो हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा है जो गिलहरिया है उसको व्यक्तिवाचक रूप दिया है, उसको एक व्यक्ति के रूप में गिल्लू है और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, अर्थात अब गिल्लू के रूप में ही उसको कहने लगे, पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। छोटी डलिया होती है डलिया क्या नाम से जो फूल रखते हैं, उसको लिया लेखिका ने और उसमें क्या नाम से रुई बिछा दी और रुई बिछा करके पास में ही उसको लटका दिया है, रुई बिछा कर उसको तार से खिड़की पे लटका दिया, अतः वो उसके सोने बैठने का रात को जगह हो गया उसका। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, अर्थात वही जब भी दिन में तो घूमता फिरता वो और शाम को 4-5 बजी और जाकर के उस डलिया में बैठ जाता और बैठ करके आराम से सो जाता उसके अंदर, तो यानी उसका 2 वर्ष का घर रहा वो, जिस पर हम सबके घर होते हैं, सिर्फ उसका घर बना दे लेकर अच्छा घर बना दिया, क्या नाम से रूई बिछा दी सोने के लिए बैठने के लिए। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, अर्थात खुद ही के आराम से आगे पीछे करता और झूलता रहता, अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता, और अपने आंखों से क्या क्या न देखता वो पूरे अंदर बाहर जो भी होता, जो भी अंदर लेकर जो काम करती है उनको देखता, बाहर जो दूसरी किलेरिया दूसरे जानवर पेड़ पौधे उनको देखता और समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकला पर सबको आश्चर्य होता, यानी अलग ही था वो, अलग ही प्रकार का बच्चा था वो, इंसानों में रहता था तो इंसानों की जैसी हरकतें करता। जब मैं लिखने बैठती, हाँ जब लेखिका लिखती कुछ भी, लेखिका तो काम था वो लिखने का है, तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती, जब लेखिका नहीं देखती उसकी ओर वो अपने काम में लगी रहती है, तो उसको लेखिका को अपने ओर दिखाने के लिए क्या करता हो है कि उसे एक अच्छा उपाय खोज निकाला, क्या उपाय खोज निकाला कि वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, पास में आता दौड़ता हुआ और पैर पर आता और पैर से आकर के सीधा के आराम से पर्दे में चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता, फिर वापस वहीं से पर्दे से आकर पैरों की ओर दौड़ता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती है, अर्थात जब तक मैं उसको नहीं पकड़ पाती तब तक वो ऐसे काम किया करता है, मतलब जब जरूरी है कि आप उसको देखो, आप लिखो भी पढ़ो भी आप अपना काम करो जो भी करो, लेकिन काम के साथ साथ उसको भी देखिए है कि वो क्या कर रहा है, किधर आ रहा है किधर जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से करने के लिए वो लेखिका का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कराने के लिए इस तरह की काम करता हो। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के भीतर रहता है, जब वो ज्यादा तमाचा चौकड़ी करता ज्यादा उछल कूद करता तो पकड़ करके और लिफाफे के अंदर डाल देती, तो केवल ऊपर से तो 2 पंजे उसके और सिर ही दिखाई देता है, लघु घात पूरा जो उसका शरीर छोटा, लघु घात का होता शरीर और छोटा शरीर लिफाफे के अंदर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता, देखा करता रहता, इसी प्रकार से पड़ा रहता, इसी प्रकार से बैठा रहता और बैठे बैठे क्या नाम से वो अपने
आंखों से लेख का जो काम करती वो काम वह देखा करता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद समय बीत गया और बीतते बीतते प्रथम बसंत यानी बसंत का जो मौसम है वो आ गया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। आसपास नीम के पेड़ थे, चमेली के पेड़ थे और नीम चमेली के पेड़ों की जो खुशबू है वह नेचुरली स्वाभाविक तौर से जब बसंत आता है तो फैलती है, तो लेख अंदर तक कमरे के अंदर लेखा कमरे तक आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या करने लगी। और जो बाहर की गिलहरियां है वो खिड़की के आसपास इकट्ठी हो जाती और इकट्ठे होकर के उसको भी देख, वो भी उसको देखती है और आपस में पता नहीं क्या इनकी जो बातें हैं वो करने लगती है और वो भी उनको देखता है, गिलहरी का बच्चा भी उन गिलहरियों को देखता। गिल्लू को जाली के पास बैठ कर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब मैंने देखा कि गिल्लू जो है वो भी बाहर देखने की उसकी इच्छा हो रही है और वो बाहर जाना चाहता है, वो है तो उनके साथ घूमना चाहता है, दौड़ना चाहता है, तो मुझे लगा कि इसको मुक्त करना चाहिए, इसको खोल देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, खुला कर देना चाहिए, इसके जीवन को आज़ाद कर देना चाहिए है? तो मुझे लगा कि इसको मुक्त करना आवश्यक है, इसको छोड़ना जरूरी है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जैसे गिल्लू आता और बाहर गिलहरियों को देखता और देख करके उनके मुझे लगा कि इसकी भी घूमने की, गिलहरियों के साथ जाने की इच्छा है, तो इसको मुक्त करना, इसको खोलना बहुत जरूरी है। मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया। मैंने देखा कि इसको जरूरी है छोड़ना, तो मैंने वहाँ खिड़की के बगल में से ये जो कीले हैं लगी हुई थी कीले उसको निकाला और एक कोना है वो खोल दिया, मतलब ओपन कर दिया। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। जैसे ही गिल्लू बाहर गया तो मुझे लगा कि वास्तव में इसको आज़ादी चाहिए थी और आज़ादी आज़ादी होती है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता होती है, तो मुझे लगा कि ये इसके लिए आज़ादी जरूरी थी और इस आज़ादी में की इसने सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी, अर्थात छोटा सा जानवर है घर में पला हुआ है तो इनको जो घर में बिल्ली है कुत्ते हैं उनसे बचाना भी जरूरी है, ये भी आवश्यक है। तो आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। लेखिका जब बाहर जाती तो वह अपने कमरे को बंद करके जाती थी, वो क्योंकि अकेली थी, कोई साथ में था नहीं, तो आवश्यक कागज पत्रों के कारण जो भी कागज पत्र जो भी साथ लेके जाती है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे गिल्लू अपने जाली के द्वार में से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। अब हो गया था, अच्छा आत्मीयता में हो गई थी है? तो जैसे ही लेखिका वापस आती तो इतना क्या नाम से खुशी के मारे इतने आत्मीयता के कारण वो लेखिका के पैर तक चढ़ता, सिर तक चढ़ जाता अपने और नीचे उतरता, इस प्रकार से अपना पूरा दिखाता। वैसे ही गिल्लू अपने जाले के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा है चढ़ता। तब से ये नित्य का क्रम हो गया है, जब भी लेकर जाती और शाम को लौट कर आते ही क्या नाम से वो जो गिल्लू है वो गिल्लू आता दौड़ करके और वैसे ही उनके पैर को चढ़ता और नीचे उतरता, चढ़ता और नीचे उतरता, पैर सिर से पैर तक जाता। ये देख सकते हैं आप फोटो की अनाथ किताब के अंदर लेकर बैठी हुई है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर जैसे लेखिका बाहर जाती कमरे से, गिल्लू भी खिड़की खुली जाली की राह बाहर चला था। गिल्लू भी वहाँ से बाहर निकलता और खिड़की का जो खोल रखा था उसमें से निकल करके और अपने बाहर जो गिलहरियाँ हैं उनके साथ घूमता, उनका नेता बन जाता है, उन झुंड में वो हर डाल को इधर से उधर उधर से उधर कूदता रहता है ना, चलाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता था, जो गिलहरियां दूसरी है उनका नेता बन गया वो है और उनके साथ वह डाल पर झूलता उछलता कूदता दौड़ता इधर से उधर और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जैसे 4 बजती 4-5 बजे के आसपास जब मैं घर आती तो घर आने के पश्चात वह भी घर आ जाता और आकर के अपने जो पिंजरा है अपना जो घर था उसका मतलब जो बना रखा था डलिया में लेखिका ने उसमें आकर बैठ जाता
कभी फूलदान, हाँ, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। बच्चा था वो, जानवर था, लेकिन फिर भी वो समझते हैं, सब जानवर भी समझते हैं इस चीज़ को। तो लेखक वो चौंकाने के लिए, क्या पता नहीं कैसे वो चौंकाता, क्या करता। कभी फूलदान की फूलों में छिप जाता, फूलदान जो जहाँ रखे रहते वहाँ जो गुमला है उसमें छिप जाता। कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता। इस प्रकार से वो लेखक के साथ खेल खेला खेला कर करता हो रहा। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, लेखिका के पास बहुत सारे और थे पशु पक्षी थे, है? और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं। सारे जानवर जो भी है लेखिका से बड़े लगाव रखते थे, चाहे वो कबूतर हो, चाहे तोता हो, है? और क्या नाम, चाहे चिड़िया हो, है? और अन्य जानवर थे, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, वो सबका लेखिका से बड़ा लगाव था, है? कम लगाव नहीं था, मतलब अच्छा लगाव था। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अर्थात इतने जानवर थे, लेकिन कभी भी किसी ने लेखक की थाली में, लेखक के आसपास बैठ करके या लेखक की थाली में बैठ कर ही खाना नहीं खाया, ऐसा लेखक को कभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन गिल्लू कोशिश करता है ना, गिल्लू इसमें अपवाद था। गिल्लू अपवाद था, क्या नाम से, सामान्य नियम को बाधित करने वाला, मर्यादित करने वाला वो था। मैं जैसे खाने कमरे पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा बात पार करके मेज पर पहुंच जाता, जहां मैं बैठ रहती, जहां मेरा खाना लगता, जहां मेरी थाली लगती, वहां आ जाता और आकर के थाली के पास बैठ जाता। और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, थाली के पास आकर के बैठना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, अर्थात काजू जो है उसको वो पसंद था, खाद्य होता है भोजन, है? अर्थात काजू अच्छा खाता था। और कई दिन काजू न मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू की जगह कोई दूसरी चीज डाल दी तो उसको क्या नाम, फेंक देता, खाता नहीं, छेड़ता नहीं था, हाथ नहीं लगाता था, है? इतना उसको गुस्सा करता था। अरे खाएगा नहीं, खाएगा तो काजू खाएगा, काजू उसका बहुत प्रिय था ना। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से मैं आहत और कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। जब एक बार की बात है कि मोटर की जो गाड़ी से कोई दुर्घटना हो गई लेखिका के साथ में, और लेखिका का नाम से अस्पताल में भर्ती रहना पड़े उनको। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता, किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता, है? आता वहाँ पर आता, लेखक के पास आता, फिर वापस दौड़ करके अपना जो घोंसला जहाँ अपनी वो डलिया थी वहाँ पर जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, थोड़ा काजू उसको डाल देते हैं। परंतु अस्पताल से लौट कर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे थे, खाया नहीं उसने। इतना दुख हुआ उसको कि उसकी मालकिन कहाँ गई है, और मालकिन को क्या हो गया, बीमार हो गई। तो जब तक मालकिन के नाम से उसकी लेखिका जब तक वह अस्पताल में रही, तब तक उस कुछ नहीं खाया उसने। जो भी लोग आते उसको डाल के जाते, वो पूरा का पूरा वहाँ पड़ा हुआ मिला है। जब तक लेकर आके देखा तो पूरा ढेर सा निकला है, भरे पड़े मिले काजू में। उससे ज्ञात था कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा था। उस समय जब लेखिका को मालूम हुआ कि गिल्लू ने कोई कुछ खाना नहीं खाया, गिल्लू बिल्कुल भूखा रहा, गिल्लू ने क्या नाम से कुछ नहीं छुआ है, मेरी अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अर्थात मेरे पास आ जाता बीमार के पश्चात घर पर आ गई, और जब खास पलंग पर सोई रहती तो वहाँ पर आकर के अपने पंजे जो है उनसे वो मेरे सिर पर बालों में धीरे धीरे हाथ सहलाता, अपने पंजे सहलाता। और जैसे वो हटाता तो ऐसे लगता है जैसे कोई सेविका, परिचारिका होती सेविका, सेविका के हटने के समान लगता है, जैसे कोई सेविका बैठी थी और वो मेरे सिर को सहला रही थी और वो हट गया यानी सेविका भी हट गई, ऐसा महसूस लेखा को होता था। गर्मियों में दोपहर में काम करती रहती। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती लेखिका,
तो गिल्लू न भाग जाता और केवल अपने झूले में बैठ रहा था, जो भी वो डलिया का जो बना रखा था उसके अंदर। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला, अर्थात वो भी क्या नाम से ठंडक में बैठता वहां पर, है ना। वो मेरे पास रखी सुराही, सुराही होती है पानी जिसमें भरा था, सुराही मटके सी होती, लंबी सी होती है ना, ठंडा पानी होता है उसका, गाँव घरों में होती है मटकियाँ, क्या सर्दी गर्मी के नाम से सभी घरों में रखते हैं। तो वो सुराही के आसपास लेट जाता क्योंकि उसमें ठंडक रहती है ना। इस प्रकार समी भी रहता और ठंडक में भी रहता, अर्थात उसका बड़ा एक तरह से वो एसी कूलर हो गया वो, तो एसी कूलर के पास सुबह रहता है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अर्थात गिलहरी जो भी होती है उनके क्या नाम से जो जीवन काल है उनका उनका 2 साल ज्यादा नहीं होता है। और अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, अर्थात उसका बेचारे का अंत आ गया। 2 साल से क्या ज्यादा जीवन तो मिला नहीं उसको, मिला क्या हो तो उम्र इतनी होती है उनकी, है ना, गिलहरियों की, तो अंत आ गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया, अर्थात कुछ भी नहीं खाया और नहीं बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले में उसके मेरे बिस्तर पाया, अर्थात जब लगा उसको कि अब जाना है, उसका अंतकाल आ गया है, तो वो झूले से नीचे उतरा और उतर करके क्या नाम से लेका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जो उसकी उंगली थी वो अपने हाथों से उसने पकड़ ली और हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मृणाल स्मृति में पकड़ा था, जिसे बचपन में वो लेकर ने क्या नाम से जो उसको जीवन दान दिया था, और जिस प्रकार से वो उंगली से क्या नाम से उंगली पकड़ी थी उसी स्थिति में लेकर की उंगली पकड़नी थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, अर्थात उसके पंजे इतने ठंडे हो गए कि मैंने हीटर जलाया और उसे उष्णता, उसने मतलब गर्मी दी, थोड़ी गर्मी देने का प्रयास किया, देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि उसका अंत समय आ गया, अब जाना है उसको दुनिया छोड़ करके तो जाएगा वो ना। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, जो राहरी बेचारा दुनिया में चला गया, दूसरी दुनिया में चला गया, खत्म हो गया, मर गया, तो लेखिका ने भी उसका झूला उतारा और एक तरफ रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी, खिड़की से की जाली थी वो भी बंद कर दी, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। गिलहरियाँ आती है, देखती है गिल्लू कहाँ गया, वो कहाँ गया है, लेकिन जानवर थे समझते नहीं थे कहाँ गया क्या कहाँ नहीं गया है, वो उसका अंतर समझ नहीं पाते थे। और सोन जूही पे बसंत आता ही रहता है, और सोन जूही जो आती रहती है, फूल आते रहते हैं, बसंत आते रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, अर्थात समाधि मतलब उसको वहां खोद दिया, गड्ढा खोद करके उसको वहीं दफना दिया गया है ना, इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी है, क्योंकि वहां पर छुपा रहता था वो, इसलिए भी उसे लघुगात को किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता रहा। पिताब, पिताब होता है पीले रंग का है, छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास, जो भी छोटा फूल खिलता है यानी कि लगता है कि गिल्लू आज भी उसके साथ जीवन में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये पाठ है आपका, और इसमें जो प्रश्न है मैं कल बताऊंगा आपको इसके उत्तर है, और ये पाठ पूरा हो गया है ना, इसको फिर दोबारा पढ़ लेंगे है ना, जो भी कोई प्रश्न नया आते हैं आपको तो पूछना आप, ठीक है बेटा, आज इतना ही काफ़ी।